हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ आपको लाइब्रेरी साइंस के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताया जाता है कि उनको कैसे पढ़ा जाता है, या कोलन क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग के जो दो पार्ट हैं उनको किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनको कैसे, उनके जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ हम कुछ टाइटल करेंगे, वो टाइटल करेंगे जो इस चैनल में जो मेरे फ्रेंड हैं, जो भी मतलब लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके मैं इस वीडियो में आपको आंसर बताऊंगा। दूसरी चीज़, मैं सबसे पहले आपको सॉरी कह दूं कि काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ किसी वजह से, और लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे जल्दी से जल्दी आगे की वीडियोस में डालूं, जो आगे की क्लासेस हैं, चाहे कोलन क्लासिफिकेशन की है या डेविड एसमेल की जो आगे की टेबल्स हैं, 7 टेबल्स होती हैं, वो आगे डालने की कोशिश मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। ये जो क्वेश्चन आज मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे तो काफ़ी पुराने हैं, मतलब किसी ने एक महीने पहले पूछे हैं या 3 महीने पहले पूछे हैं, या किसी ने एक हफ्ता पहले या 1-2 दिन पहले भी पूछे हैं, वो क्वेश्चन है। लेकिन क्या है कि मैं इतने लेट इन क्वेश्चन के आंसर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा मुझे टाइम का इशू रहता है। जैसे काफ़ी टाइम पहले भी कईयों ने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि पहले मैं उनके आंसर को पढ़ूँ, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करूँ बुक के साथ, बुक से उसके बाद फिर मैं उनको आंसर दूँ उनके, तो इस तरह से टाइम काफ़ी लग जाता है, जिसकी मेरे पास काफ़ी कमी है, कारण आप कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका रिप्लाई उनको जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं दे देता हूँ। उसके अलावा जो ये क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन के ही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं। एक बात मैं आपको इसमें बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी ने इस चैनल पर क्वेश्चन एक पूछा है तो उसका जवाब मैं ही दूँ। अगर किसी को भी उसका आंसर आता है तो वो आप सही आंसर जो अगर आता है तो उसको वो आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई भी मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि कोई और मेरे चैनल में आके और आंसर दे रहा है, दूसरों के सवालों के जवाब दे रहा है, तो इसमें कोई भी मुझे किसी तरह का इशू नहीं है। तो हम क्वेश्चन के बढ़ते हैं, फालतू की बातें काफ़ी हो गई वैसे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मुझे नाम वगैरह याद नहीं है किसी के भी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे यूट्यूब में या व्हाट्सएप पर, किसी ने मुझे पूछा था एनिमल इकोलॉजी के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे जैसे हम देखें तो सीधा या तो हम डिक्शनरी में जाएंगे, डिक्शनरी में जब हम देखेंगे एनिमल वर्ड वहाँ पे हमें अलग से मिलेगा, और इकोलॉजी जो है ये वर्ड हमें अलग मिलेगा, ये दोनों वर्ड हमें साथ में नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बुक के अंदर जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन है उसमें दिखा देता हूँ कि हम अगर डिक्शनरी में जाएंगे ये क्या होता है, सॉरी जो इंडेक्स होता है हमारा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है सीसी, इसकी एक बुक है 6th एडिशन की एक बुक है, उसके अंदर बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये सबसे पहला पार्ट है रूल पार्ट, दूसरा पार्ट है शेड्यूल, और तीसरे पार्ट के अंदर जो बने बनाए किताबों के जो बुक्स के कोड दिए गए हैं, जैसे मोटे मोटे अगर कोई ग्रंथ है, आद्य ग्रंथ वगैरह हैं, या मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी बुक्स हैं उनके बने बनाए कोड दिए गए हैं। सेकंड जो इसका पार्ट है शेड्यूल पार्ट, ये हमें करना होता है बेसिकली। तो इसके अंदर क्या होता है, सेकंड पार्ट के बिल्कुल लास्ट में जब हम जाएंगे वहाँ पे हमें एक इंडेक्स करके एक अलग से चैप्टर दिया गया, चैप्टर हम कह सकते हैं इसको, उस इंडेक्स के अंदर आपको ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड इस बुक के अंदर दिए गए हैं, जो कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है इसके अंदर जितने भी वर्ड दिए गए हैं वो सारे के सारे वर्ड आपको अल्फाबेटिकल टाइप से मिल जाते हैं, ए से लेके जेड तक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीधा जैसे मान लीजिए एनिमल वर्ड है तो आप ए पे देखेंगे, ए के अंदर आपको ए से जितने भी रिलेटेड वर्ड इस बुक के अंदर दिए गए हैं वो सारे के सारे वर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद ई से देखेंगे तो ई से मिल जाएंगे। चलिए हम बुक में चलते हैं, बुक में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सॉल्व कैसे करेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन का जब 6th एडिशन के हम पेज नंबर 2.124 पे आते हैं, यानी कि 2.124 पर आते हैं, तो यहाँ पे हमें इंडेक्स
टू शेड्यूल जो इंडेक्स है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। इसके बाद अगला पेज हम जब पढ़ते हैं तो इसमें हमें ए से लेके सारे जो वर्ड हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसमें हमें एनिमल वर्ड देखना है। यहाँ हम इसमें देखें तो इसमें आपको एनिमल वर्ड यहाँ पे मिलता है, ये आप देखेंगे एनिमल लिखा गया है। एनिमल के आगे हमें बताया गया है कि एनिमल के लिए आपको आगे एन डी में या तो या एन क्यू में देखना है। उसमें कहाँ जाओगे आप, पी थ्री के अंदर 5 नंबर पे आपको दिया गया है। उसके अलावा एनिमल के साथ में इस तरह के कोई भी अगर वर्ड आपको दिए गए हैं टाइटल के अंदर तो उसके अकॉर्डिंग आप उनका कोड लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एनिमल रेसिंग दे दिया गया है तो उसका जो कोड होगा वो है MY5। आप जाके एम के चैप्टर में जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पे आपको MY5 जो है कोड इसका मिल जाएगा एनिमल रेसिंग का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एनिमल इकोलॉजी देखना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम वर्ड देखें तो एनिमल इकोलॉजी हमें कहीं नहीं मिलता, तो हम इकोलॉजी वर्ड देखते हैं कि हमें इकोलॉजी वर्ड में क्या एनिमल मिलता है। तो हम जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे ई से जो स्पेलिंग्स है वो शुरू हो जाती है। इसमें हम इकोलॉजी वर्ड देखते हैं तो ये पेज नंबर 138 2.138 नंबर पेज पे हमें यहाँ पे इकोलॉजी मिलता है। अब इकोलॉजी के आगे हमें कोई भी वर्ड नहीं दिए गए हैं जो कि इसके साथ में आएंगे। यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इकोलॉजी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप जाएंगे जी में, आई में, के में, यानी कि ये तीन चैप्टर्स में आपको कहीं भी जा सकते हैं तीन चैप्टर में से। उसके अंदर आप जाएंगे ई के अंदर 5 नंबर पर आपको इकोलॉजी मिल जाएगा। अब यहाँ पे अकेला इकोलॉजी मिला है, वहाँ आपको अकेला एनिमल मिला था। लेकिन एक चीज़ हम ध्यान रखें, यहाँ पे आपको एनिमल की बात कही जा रही है। एनिमल की अगर बात कही जा रही है तो जैसे थोड़ा सा हम अगर सोच के देखें, जो हमें स्टार्टिंग के अंदर इंडेक्स दिया गया है यहाँ पे कंटेंट्स जो है चैप्टर्स के नाम, यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट हैं यहाँ से शुरू होते हैं, जर्नली या बिब्लियोग्राफी, उसके बाद लाइब्रेरी साइंस, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस करवा दिए हैं, काफ़ी सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं। उसी तरह ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें हम देखेंगे कि एनिमल से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी आती है या एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, कोई वर्ड आता है, तो वो हम कौन से चैप्टर में देख सकते हैं, कहाँ हमें मिल सकता है। के जूलॉजी, यानी कि इसके अंदर के जूलॉजी के अंदर भी तो सारे के सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे हमें दिए गए होते हैं। एनिमल्स के बारे में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या एनिमल्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ हमें के जूलॉजी के अंदर दिया गया है। हम उसके चैप्टर में भी जाके देख सकते हैं कि एनिमल्स से रिलेटेड हमें जितने भी वर्ड चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर हमें दिए गए हैं। ये देखें, ये देखिए के जूलॉजी का चैप्टर है, यहाँ पे सारे के सारे जानवर जो हैं वो आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी। जैसे एनिमल दिया गया है तो एनिमल जितने भी हैं वो सारे के जूलॉजी के अंदर आते हैं, तो हम यहाँ पे के जूलॉजी का मेन क्लास लगा देंगे, ठीक है, के आ गया। उसके बाद इकोलॉजी दिया गया है, इसमें हम जब के में देखते हैं कि हमें इकोलॉजी कहाँ दी गई, उसमें बताया गया है इकोलॉजी आपको जी आई और के अंदर इकम टू पी में 5 नंबर पर मिलेगी। यहाँ पर जब हम जाते हैं फोसाई इन इकम टू पी में, तो यहाँ हमें दिया गया एज इन जी बायोलॉजी विद द फॉलोइंग एडिशन, यानी कि ये दो चीज़ें आपको इकम टू पी में लेनी है, क्योंकि उसके अलावा जितने भी इकम टू पी के पार्ट होंगे वो सारे के सारे आपको जी बायोलॉजी के अंदर से लेने हैं। तो हम जी बायोलॉजी के चैप्टर में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि हमें के जो वर्ड है हमारा इकोलॉजी वो मिलता है नहीं मिलता, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। इसमें जब हम जाएंगे, इसमें हमें यहाँ पे दिया गया है इकम टू पी, उसमें आगे 5 नंबर पर हमें इंडेक्स में बताया गया है, 5 नंबर हम देखें तो इकोलॉजी आ गया। तो यानी कि के अंदर तो हमें सारा जो एनिमल है वो सारे आ गए, उसके बाद इकोलॉजी भी हमें इकम टू पी में दिया गया है, कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना देखना होगा। उसके अलावा आप रूल में जाके भी देख सकते हैं, या आप किसी भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर रहे हैं, ये डीलीव या बीलीव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो आपकी बुक होगी, यानी कि यूनिवर्सिटी से जो आपको बुक मिली है या आप लेके आए हैं अपने कॉलेज से, तो उस बुक में भी इसके बारे में रूल जो हैं वो सारे हिंदी में या इंग्लिश में, जिस मीडियम से आप डीलीव या बीलीव कर रहे हैं उस लैंग्वेज में आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड टाइटल इसमें दिया गया है बायोग्राफिजिक्स, बायोग्राफ फिजिक्स। तो इसमें क्या होता है, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे आ गया बायोग्राफी और
फिजिक्स, तो ये दो वर्ड हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सीधा बायोग्राफी ही होगा। बायोग्राफी का जो कोड होगा वो हमें ही लगाना है, वो होगा इसमें स्मॉल डब्ल्यू। ये कोई आंसर नहीं है, इसके साथ में हो सकता है कोई ना कोई वर्ड होगा, नहीं भी है अगर बाई चांस मान लीजिए ना भी हो बायोग्राफिजिक्स के साथ में, तो इसका स्मॉल डब्ल्यू आता है। स्मॉल डब्ल्यू हमें दिया कहाँ गया है, जब हम ये सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में जाते हैं, बिल्कुल ये सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू होता है, इसमें ये सबसे पहला चैप्टर आ गया, ये सेकंड चैप्टर है मेन क्लास का। कॉमन आइसोलेट में हम जब देखें तो यहाँ पे हमें स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है बायोग्राफी का, तो बायोग्राफी का जो कोड होता है वो ही इसका कोड होगा स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, आपको ये कर लेना है, ये बिल्कुल आसान था। कई बार होता है कि हमें वर्ड जो है हमारे सामने लिखा है और हमें उसका आंसर नहीं मिलता, या फिर वर्ड जो है ये टाइटल है वो थोड़ा घुमा के दे देते हैं, या जैसे हम हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हैं तो उस तरह से इंग्लिश में भी हमें पर्यायवाची दे दिए गए होते हैं, उस हिसाब से तो टाइटल जो है या वर्ड है उनके आंसर हमें नहीं मिलते हैं। उसके अलावा तीसरा जो टाइटल है वो आता है इकोनॉमिक्स कंडीशन इन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ इन 1980। अब यहाँ पे एक टाइम आ गया है, ये हमारा स्पेस आ गया है, और ये एक वर्ड आ गया इकोनॉमिक्स कंडीशन, यानी कि आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक वर्ड आ गया है, हम ध्यान से देखें तो हमारा जो इकोनॉमिक का चैप्टर है हम स्टार्टिंग में देखेंगे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं आपको, यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई चैप्टर है या नहीं, इसमें देखेंगे हमें यहाँ नहीं मिलेगा। हम आगे देखें तो इसमें हमें इकोनॉमिक्स जो है एक्स पे मिलता है, एक्स। वैसे मैंने ये चैप्टर आपको वीडियोस में अभी करवाया नहीं है, हम धीरे धीरे करेंगे इस चैप्टर को भी। एक्स इकोनॉमिक्स में आता है, हम इकोनॉमिक्स में अगर जाएं सीधा, हम इंडेक्स में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में जाएं तो वहां से हो सकता है हमें सामने ही हमें वर्ड मिल जाए। तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, सबसे पहले तो यहाँ पे मेन क्लास जो है इकोनॉमिक्स की ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है इकोनॉमिक्स पे हुआ है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूछी गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेन क्लास लगा देंगे एक्स, जो कि इकोनॉमिक्स की है। उसके बाद पूछा गया है कम्युनिटीज कंट्रीज़, तो यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया, तो ठीक है ये जो कंट्रीज़ पूछी हैं ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री के अगर नाम दिए होते तो हम उन कंट्रीज़ के कोड जो है एज इट इज़ लगा देते, जैसे हमें स्पेस आइसोलेट में मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या हो गया कंट्रीज़ दे दिया गया है, तो ये हो गया वर्ल्ड की बात हो गई। तो ये जो वर्ल्ड का कोड होता है ये होता है 1, हम ये कोड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं बताया गया। वैसे ही अगर वर्ड जो है हमें दिया गया, ये हम स्पेस आइसोलेट में भी देखें तो स्पेस आइसोलेट में इस तरह से कोई भी वर्ड हमें नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि ये कोई जगह का नाम नहीं है, जियोग्राफिकल इंडेक्स है, या हम इसमें स्पेस आइसोलेट में देखते हैं तो किसी भी तरह का ऐसा कोई वर्ड नहीं मिलता है। इसलिए जो वर्ड का सबसे पहले हमें वर्ल्ड का कोड दिया गया है 1, यही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टाइम आइसोलेट का यहाँ पे हमें दिया गया है, सन दिया गया है 1980, तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि टाइम आइसोलेट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 1900 से लेके 1999 तक कोई भी सन दिया गया हो तो सबसे पहले आप एन लगाएंगे, उसके बाद जो सन दिया गया है आपको वो सन लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको 1980 दिया गया है तो सबसे पहले 19 का एन लगा देंगे, उसके बाद 80 लिखा देंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा इसमें, सबसे पहले होगा पी, मेन क्लास आ गया, उसके बाद पी एम ई एस टी, इस तरह से होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी नहीं है यहाँ पे, ई एम भी नहीं है, ई भी नहीं है, सीधा हमें स्पेस और टाइम दिया गया है, तो सबसे पहले क्या आता है स्पेस और टाइम में, सबसे पहले स्पेस आता है। ये क्यों आता है ये मैंने आपको पहले भी बताया गया है, पी एम ई एस टी, इसके हिसाब से जो फंडामेंटल कैटेगरीज हैं 5 जो रंगनाथन जी ने बताई है, उसके अकॉर्डिंग पहले स्पेस आता है उसके बाद टाइम आता है। स्पेस से पहले हमें एक डॉट लगाना होगा जो कि स्पेस का कनेक्टिव सिंबल है, उसके बाद हम वर्ल्ड का कोड लगा देंगे 1, उसके बाद जो टाइम का कनेक्टिव सिंबल है इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, वो लगा के जो टाइम का कोड है वो हम लगा देंगे N80। ये हो गया 1980, ये हमारा आंसर है। इतना ये आंसर नहीं है, ये आंसर है एक्स डॉट 1 इन्वर्टेड कोमा सिंगल इन्वर्टेड कोमा N80। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आंसर। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद फोर्थ टाइटल आता है इसमें, अ लिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ
ऑफ जापान, यहाँ पे हमें एक स्पेस का वर्ड दे दिया गया है, जापान, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे दो वर्ड हमें मिलते हैं, एक है प्लांट और एक है एनिमल। इन दोनों की लाइफ के बारे में बात कही जा रही है, एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे प्लांट और एनिमल की लाइफ के बारे में लिखा गया, कहाँ, जापान में। तो सबसे पहले जैसे हम देखें तो यहाँ पे हमें मेन क्लास देखनी होगी कि हमें मेन क्लास क्या लगानी होगी, हमारी मेन क्लास क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था फेज़ रिलेशन में मैंने बताया था, उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर वो दो चीज़ों के बीच में अगर डिफरेंस बताया गया हो तो आपको वहाँ पे फेज़ रिलेशन का इस्तेमाल करना होगा, फेज़ रिलेशन का यूज़ होगा। उसके अलावा अगर कोई भी दो विषय, दो पक्ष, दो पंक्तियों के बारे में बात कही जाए किसी भी तरह से, चाहे उनमें बेस बताया जाए या कोई जनरल नॉर्मल सी बात की गई या कंपेरिजन किया गया, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया गया, या कोई एक चीज़ को दूसरी एक चीज़ के द्वारा, यानी कि एक कोई विषय हो सकता है, पक्ष हो सकता है, पंक्ति होती है, उसके द्वारा किसी दूसरे विषय, पक्ष या पंक्ति के ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है, या इन्फ्लुएंसिंग जो यहाँ वर्ड दिया गया है इंग्लिश में। तो आपको इस तरह के अगर वर्ड दिए जाते हैं तो इस चैप्टर का आपको इस्तेमाल करना होगा। यहाँ अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दो चैप्टर के नाम दिए गए हैं, प्लांट दिया गया है, प्लांट यानी कि प्लांट्स जो हैं वो किस में आते हैं, आई बोटनी के चैप्टर में आते हैं। जो बोटनी होता है उसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, उनके जो भी पार्ट्स होते हैं या जितनी भी उनकी कोई अगर बीमारियां हैं या कोई फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, या जितनी भी चीज़ें प्लांट्स से रिलेटेड होती है वो सारे हम आई बोटनी के चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके अलावा एनिमल है, एनिमल के बारे में मैंने आपको फर्स्ट टाइटल में बताया है, जितनी भी एनिमल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हम एनिमल जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि के। इसकी जो मेन क्लास है वो तो होती है आई और इसकी होती है के। यहाँ पे दो विषय दे दिए गए हैं हमें, तो इसमें भी यही बताया गया कि अगर दो विषय आ जाएं तो आपको इस तरह के कोड लगाने हैं ये। उसके अलावा इनमें से देखनी होगी कि किस तरह की बात उस टाइटल में कही जा रही है। तो यहाँ पे हमें लिस्ट बनानी है, अ लिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ जापान। तो यहाँ पे हमें जनरल सी नॉर्मल सी बात कही गई है, ना तो किसी दोनों के बारे में ना तो कोई डिफरेंस है, ना कोई बेस है, ना कोई प्रभाव डाला जा रहा है, ना ही किसी तरह की कुछ कोई और बात कही जा रही है, कोई कंपैरिजन भी नहीं किया जा रहा है, इसमें जनरल सी नॉर्मल सी बात कही है। तो इसमें सबसे पहले प्लांट हमें वर्ड दिया गया है, तो हम प्लांट वर्ड का जो मेन क्लास है वो लगा देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी फेज़ रिलेशन का इस्तेमाल हो वहाँ आपको फेज़ रिलेशन का जो कनेक्टिव सिंबल है ये मैंने आपको लिखवाया भी था, 0, 0, ये आपको लगाना ज़रूरी होगा। एक चीज़ का कोड लगाने के बाद आपको कनेक्टिव सिंबल लगाना होगा 0। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि जो चीज़ें बताई गई है वो विषय हैं, पक्ष है या पंक्तियाँ हैं। तो ये विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, फेज़ हैं, इनमें से कोड लगेगा। अब कौन सी बात इनमें से कही गई है, जनरल सी बात, सामान्य बात कही गई है, नॉर्मल सी बात कही गई है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें कोड दिया गया है ए, विषय और नॉर्मल जनरल सी बात के बारे में यहाँ पे ए दिया गया, तो हम स्मॉल ए लगा देंगे। उसके बाद सेकंड जो मेन क्लास है एनिमल की के, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अच्छी तरह से नोट करके आप रख लीजिए, चाहे कि जहाँ मैं आपको कैपिटल लेटर्स बता रहा हूँ वहाँ पे आपको कैपिटल में ही लिखना है, अगर जो स्मॉल लेटर्स में आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स ही लिखने हैं। अगर आप स्मॉल को कैपिटल या कैपिटल को स्मॉल कर देते हैं तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, तो आपको ठीक है। उसके बाद ये अब दोनों के कोड आ गए हैं, उसके बाद हमें क्या आ गया है कि लाइफ ऑफ जापान। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हम देखेंगे आई जो बोटनी की क्लास है उसके अंदर हम जाएंगे, इसमें हमें एक वर्ड दिया गया है लाइफ। तो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, वो चीज़ बताने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आई बोटनी के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह से हमें लाइफ वर्ड नहीं मिलता है। तो इसमें ईकम टूपी जो है आई की, ये आई का चैप्टर है, उसमें जो ईकम टूपी है वहाँ लिखा गया है कि एज इन जी बायोलॉजी विद द फॉलोइंग एडिशन, यानी कि आपको ईकम टूपी लेने के लिए जी बायोलॉजी के अंदर जाना होगा। जी बायोलॉजी के अंदर हम जब जाते हैं ईकम टूपी में तो यहाँ पे हमें कोई भी लाइफ वर्ड नहीं मिलता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी
जैसा कि यहाँ पे लाइफ मिल रहा है। बात मैंने क्या बताई थी, एक रूल बताया था जो कि जी बायोलॉजी की क्लास जब मैंने करवाई थी, वीडियो जब बनाई थी उसमें मैं बतानी भूल गया था। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें मैंने बताया था। यहाँ भी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जब भी आप जी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी टाइटल करते हैं, या किसी टाइटल के अंदर जी बायोलॉजी का मतलब जिक्र किया जाता है, उसमें कोई भी वर्ड आता है जी बायोलॉजी से रिलेटेड, तो अगर उस वर्ड के अंदर कोई भी जगह का नाम दिया जाता है, यानी कि कोई भी देश, विदेश, राज्य, सिटी, किसी का भी नाम दिया जाता है, तो वहाँ आपको नेचुरल हिस्ट्री, ये 1-2 इसका कोड है, 1-2P की नेचुरल हिस्ट्री का कोड लगाना ज़रूरी होगा। ये आपको कंपलसरी है, ये एक रूल है, ठीक है। आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है रूल। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये 1-2 जो कोड है वो आपको लगाना है। अब इस टाइटल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक जगह का नाम दिया गया है, जापान, तो इसलिए हमें कोड यहाँ पे लगाना होगा 1-2। लेकिन ये जो 1-2 है ये हम जी बायोलॉजी के अंदर से लाएँ, लेकिन ये किस में लेनी है, हमें ECOM2P के अंदर लेनी है, इसलिए हमें यहाँ पे कोलन लगाना होगा। ये एक रूल है, ये आपको याद रखने होंगे। जो भी इसमें मैं रूल बता रहा हूँ कि आप जो भी बुक में रूल पढ़ते हैं वो सारे आपको याद करने होंगे। ये बुक तो आपके पास होगी एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये बुक होगी आपके पास, लेकिन वो रूल नहीं होंगे। हो सकता है आपको इंग्लिश में ये जो आगे रूल पार्ट दिया गया इसमें समझ ना आए, या फिर पूरे रूल इसमें भी ना लिखे गए हों, कुछ करेक्शन करने की, जैसे इसमें काफ़ी जगहों पर करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो इसलिए आपको रूल याद कर लेने हैं, ठीक है। अब ये 1-2 हो गया, उसके बाद हमें जापान दिया गया है, तो हमें जापान का कोड लाना होगा। उससे पहले हमें जो स्पेस आइसोलेट है उसका कनेक्टिव सिंबल लगाना होगा, डॉट, ठीक है। ये डॉट स्पेस आइसोलेट का कनेक्टिव सिंबल होता है, तो जापान के लिए हम स्पेस आइसोलेट के अंदर जाएंगे हमारे चैप्टर में। यहाँ पे हम जापान देखें तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, मैंने आपको ही बताया था कि एक एक वर्ड हमें देखना होगा, जापान 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 जापान, तो इसमें क्या है टाइम बहुत लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास टाइम इतना नहीं होता। तो ये जो चैप्टर दिया गया है 2.8 नंबर पेज पे दिया गया है स्पेस आइसोलेट, उसके बाद हम जस्ट ये जो चैप्टर ख़त्म होता है जहाँ पे, उसके अगले पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 2.18 पे हम देखें, यहाँ पे हमें जियोग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जापान कहाँ दिया है। कैसे देख सकते हैं, इसमें हमें ए से लेके जेड तक वर्ड सारे दिए गए हैं, लाइन वाइज दिए गए हैं। सबसे पहले ए के जो भी जो जगहों के नाम हैं वो सारे आ गए, उसके बाद बी से जो भी नाम है वो आ गए हैं, उसके बाद सी से नाम आ गए, लेकिन हमें जे से देखना है जापान, तो हम जे पे जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जापान हमें वर्ड कहाँ मिलता है, ये देखिए जापान मिल जाता है, इसका कोड है 4-2। ये हम वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं जियोग्राफिकल इंडेक्स के अंदर, स्पेस आइसोलेट के अंदर, सॉरी, कि 4-2 सही है। ये देखिए हम 4 के अंदर आ गए, इसमें 4-2 दिया गया है जापान का, ठीक है। तो ये जापान का कोड हम यहाँ पे लगा देंगे और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लिस्ट का कोड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगाना है, ये लिस्ट का कोड कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। लाइफ का कोड आ गया, प्लांट का आ गया, एनिमल का आ गया और जापान का आ गया। जापान हमारा स्पेस आइसोलेट से आया है, वहाँ से हमने ला के इसको कनेक्टिव सिंबल के साथ लगा दिया, ये हमारा आंसर कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू हो, इसके अंदर कोई भी परेशानी हो, समझ ना आया, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, या कुछ और बात पूछनी है इसके अंदर तो मैं आपको बता दूँ। उसके अलावा आगे पांचवा जो टाइटल है वो आता है कोस्टलैंड लाइफ ऑफ इंडिया, कोस्टलैंड लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें दो वर्ड दे दिए गए हैं, एक तो आ गया इंडिया जो कि स्पेस आइसोलेट का, इसका मैंने आपको कई बार कोड बताया, ये 4-4 होता है इंडिया का कोड, ये आपको याद रख लेना अगर आप इंडिया से हैं तो। ये नॉर्मल वर्ड है, काफ़ी बार इस्तेमाल होता है, इसलिए आप ये याद भी कर सकते हैं, या आप 10-15 बार टाइटल करेंगे इंडिया से रिलेटेड तब आपको याद हो जाएगा 4-4 होता है। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का 4-4-3-7 होता है, ठीक है। उसके बाद कोस्टलैंड वर्ड दिया गया है, ये कोस्टलैंड मुझे वर्ड जो है ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि पहले मुझे भी ये वर्ड नहीं मिला था, लेकिन बाद में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मिल गई, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, हो सकता है किसी को ये मिला ना हो जिन्होंने भी ये पूछा था, मैं उनको ये आंसर बता देता हूँ इसका। इसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा जी बायोलॉजी के अंदर, जी बायोलॉजी के अंदर। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी बायोलॉजी में हम पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका वर्ड यहाँ दिया गया है कोस्टलैंड, कोस्टलैंड वर्ड जो दिया गया है,
इसमें आपको इसको तोड़ के देख लेना है कि आपको इंडेक्स के अंदर मिलता है या नहीं, या तो आप देख लीजिए COAST या COASTLA, COASTAL, तो इस तरह से आप जब सही स्पेलिंग हो सकता है आपने जहाँ से देखा है वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर इस बुक के अंदर ही अलग दिया गया हो, लेकिन जो मैं आपको आगे कोड बताने जा रहा हूँ इस कोस्टलैंड के में वही कोड आएगा कि जो वर्ड है यहाँ पे मिलता क्या है इसमें कोस्टलैंड की जगह, ये मिलता है COASTAL, कोस्टल, कोस्टल वर्ड मिलता है जो कि है जी बायोलॉजी के अंदर। आप इंडेक्स में देखेंगे वहाँ पे भी आपको कोस्टल वर्ड मिल जाता है जो कि आपको ये कहा जाएगा वहाँ पे जी बायोलॉजी की पी में आप जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा 95531। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे जी बायोलॉजी की मेन क्लास लगा देंगे जी, उसके बाद इसका कोड लगाएंगे 95531, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे लाइफ दिया गया है और साथ में एक जगह का नाम दिया गया है इंडिया। तो मैंने एक बात आपको बताई थी पिछले टाइटल में कि अगर जी बायोलॉजी के चैप्टर में आपको किसी जगह का नाम दे दिया जाता है तो आपको जी बायोलॉजी की ईकम 2P का नेचुरल हिस्ट्री का 1-2 कोड लेना होगा। तो यहाँ पे कोलन लगाएंगे क्योंकि ये ईकम 2P है, तो इसके बाद 1-2 लगा दिया। इसके बाद हम डॉट लगा के 4-4 जो इंडिया का कोड है वो हम लगा देंगे और हमारा आंसर यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, कोस्टलैंड लाइफ ऑफ इंडिया G95531 :12.44, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जर्वेशन ऑन इंडिया आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इंडियन आर्किटेक्चर का जो कोड है वो क्या आएगा, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आप जैसे इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा मैं सीधा ही आपको बता दूँ, ये होता है इंडियन आर्किटेक्चर का जो कोड है ये होता है NA होता है आर्किटेक्चर का, ठीक है। इंडिया का आपको पता ही है 4-4 लगाना होता है हमें, ये हमारा चैप्टर हुआ नहीं है अभी तक वरना मैं आपको बता देता, आप इंडेक्स में देख लेंगे जाके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो NA है ये आर्किटेक्चर का हम लगा देंगे, लेकिन उसके बाद हमें इंडिया का भी चाहिए और ऑब्जर्वेशन का भी चाहिए। तो इसमें हम जब देखेंगे NA के अंदर आर्किटेक्चर में आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पे इंडियन आर्किटेक्चर का बना बनाया कोड दिया जाता है NA44, ये इंडियन आर्किटेक्चर, यहाँ पे NA तो आर्किटेक्चर का है, 44 इंडिया का है, तो इंडियन आर्किटेक्चर का कोड जाता है NA44। यानी कि कहने का क्या मतलब है, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉट नहीं लगाना है, जैसे कि स्पेस आइसोलेट में से इंडिया हम लिखेंगे तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे, लेकिन आपको डॉट नहीं लगाना है क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर ही सीधा सीधा दे रखा है कि पी जो है ये है NA44 इंडिया की, इंडिया है ये पी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन वर्ड देखना है, ऑब्जर्वेशन का कोड अगर हम देखें तो इसमें हमें इस चैप्टर के अंदर हमें नहीं मिलता है, लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग के जब मैंने एक वीडियो के अंदर आपको चैप्टर करवाए थे जो ये थे बुक नंबर, मेन क्लास, कॉमन आइसोलेट, उसके अलावा जो ये टाइम आइसोलेट, इस तरह के चैप्टर करवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये वर्ड आपको दिए गए हैं ये आप एक दो बार देख लीजिए इनमें कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं। इनमें से कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको लास्ट इंडेक्स में दिए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो आपको इंडेक्स में नहीं दिए गए हैं, वो आप ध्यान से थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि क्या कौन कौन से वर्ड आपको अगर टाइटल में मिलते हैं तो यहाँ से आपको लेने होंगे। तो उसमें ऑब्जर्वेशन वर्ड एक आता है जो कि आपको इसमें से लेना होगा, कहाँ से लेना होगा, ये आपको कॉमन आइसोलेट में से लेना होगा जो कि पेज नंबर 2.5 से शुरू होती है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन वर्ड है वो आपको 2.6 पे मिलता है। इसमें हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें F2 मिलता है ऑब्जर्वेशन का, इसमें क्या लिखा गया, ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई है एनर्जी कॉमन आइसोलेट, यानी कि ये आपको एनर्जी के कोड दिए गए हैं, यानी कि ई है ये हमारी, ठीक है, ई है ये, ई के कोड है, इसलिए हम ई लिखने से पहले कोलन लगाते हैं, उसका कनेक्टिव सिंबल होता है, ठीक है, और इसके बाद हम इसका जो ये कोड है ये लगा देंगे F2। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्मॉल F आएगा, अगर आप बड़ा F लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है आपका जो आंसर है, क्योंकि बड़ा F अगर आप लगा देते हैं तो बड़े F से आपकी जो मेन क्लास है वही चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आपने मेन क्लास NA लगा दी है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे N जो है, सॉरी
अगर बड़ा एफ लगा देते हैं तो बड़े एफ की जो क्लास है वो अलग ही हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी हमें दी गई है, तो ये आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा अगर आप स्मॉल एफ की जगह बड़ा एफ लगा देते हैं तो। अब हमारा ये सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली इसी क्वेश्चन के लिए बनाई थी, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है उनके अलावा कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आई हो, या जो उन्हें समझ नहीं आया है वो कई लोगों को भी समझ नहीं आएगा, हो सकता है। हालांकि मैं एक एक चीज़ आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए हो, या हो सकता है क्योंकि ये जो टाइटल है ये टू लाइब्रेरी साइंस का एक टाइटल है, यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी आपको दिखाई दे रही है, तो हो सकता है उन्होंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ अभी देखी हो इसलिए आपको उनको समझ नहीं आया हो, या ये भी हो सकता है कि कई लोगों जैसे नए नए वीडियो देखते हैं तो उनको समझ ना भी आती हो, इसलिए मैं आपको ये टाइटल जो है मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ, मैं आपको जब लाइब्रेरी साइंस का हमारा चैप्टर हुआ था उसमें मैं आपको ये टाइटल करवा चुका हूँ, दोबारा मैं करवाने जा रहा हूँ। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूं कि इसमें उन्होंने लिखा है कि सर आपने एक क्वेश्चन बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्म रोल इन पब्लिक लाइब्रेरी का आंसर 22:51:51, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आंसर जो आपने लिखा है मैंने ये आंसर नहीं करवाया था, मैंने आंसर इसमें करवाया था 22:51 नहीं था यहाँ पे, क्योंकि फिल्म रोल का कुछ और आंसर होता है, एक मिनट मैं आपको दिखा बताता हूँ। फिल्म रोल का जो कोड होता है ये होता है फिल्म रोल 1512, यहाँ पे मैंने आपको 1512 लिखवाया होगा, जो सेकंड फर्स्ट 51 लिखा है आपने सेमी कॉलम के बाद, उसके बाद कोलन लगा के 51, ये होता है क्लासिफिकेशन का, सही है, बिल्कुल आपने सही लिखा है। हो सकता है ये आपने जो टाइप किया उसमें मिस्टेक होगी, हो भी हो सकता है इस तरह से कुछ लिखा, मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ भी नहीं आया, सॉरी, जो मुझे समझ आया मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसमें आगे आपने लिखा है कि सर मेरी प्रॉब्लम ये पूछने की थी कि कैसे पता करें कौन वर्ड पहले लें जब मेन क्लास लेने के बाद, जैसे ऐसी क्वेश्चन में आपने फिल्म रोल, हाँ ठीक है, आपने फिल्म रोल पहले लिया, यदि हम क्लासिफिकेशन पहले लें तो आंसर गलत होता है क्या, प्लीज़ सर रिप्लाई, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जो मेन बात पूछी है वो मैं आपको बता दूं, मुझे जो समझ में आया कि आपने ये पूछा है कि अगर हम क्लासिफिकेशन, जैसे आपने बाद में लिखा है तो अगर हम क्लासिफिकेशन का कोड पहले लिख दें और फिल्म रोल का बाद में लिख दें कोड, तो क्या आंसर गलत हो जाएगा या नहीं। तो चलिए मैं आपको दोबारा उसमें नोटबुक में बताता हूँ किस तरह मैंने इसका आंसर बनाया है और किस तरह बनेगा इसका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन था, एक बात मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम ना हो, कईयों की प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैंने शुरू में लाइब्रेरी साइंस में आया था तब मुझे भी इस तरह की प्रॉब्लम आई थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पहले ये वर्ड लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये लेना है, कैसे होगा ये, हम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है तो उसको आप 2-3 बार 4 बार 10 बार आप देखिए, उसमें मैंने छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो बताई है। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो एस आर रंगनाथन जी हैं उन्होंने हमें 5 फंडामेंटल कैटेगरीज बताई हैं, ठीक है। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कौन सी है, पी एम ई एस और टी, ठीक है, ये 5 फंडामेंटल कैटेगरीज़ है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर रहे हैं ना, डिप्लोमा है चाहे चाहे डिग्री है, उस जो यूनिवर्सिटी से आपको बुक मिली है, एक नहीं मतलब जितने भी आप सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट हैं उतनी बुक्स मिली हैं, उसमें जो क्लासिफिकेशन की बुक है ना उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको रूल के अंदर या कहीं भी दिया होगा कि 5 फंडामेंटल कैटेगरीज ऐसा रंगनाथन जी ने बताई हैं। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कौन सी है, पी एम ई एस टी, पी का मतलब पर्सनैलिटी, एम से मैटर, ई से एनर्जी, एस से स्पेस और टी से टाइम, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। पर्सनैलिटी होगी तो वो सबसे पहले ही लिखनी होगी, मैटर है तो मैटर
उसके बाद आएगा, एनर्जी से पहले आएगा और पर्सनालिटी से बाद में। एनर्जी है तो वो मैटर से बाद में आएगी और स्पेस से पहले आएगी। इनके कनेक्टिव सिंबल जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, इनको लाइन वाइज ही लिखना होगा। सबसे पहले पी आएगा, उसके बाद एम आएगा, फिर ई आएगा, इसके बाद एस, और सबसे लास्ट में जो है हमारा टाइम आएगा, टी होता है, जो कि हम टाइम आइसोलेट से के अंदर से उसके कोड लेके आते हैं, वो आता है सबसे लास्ट में। तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देखें, तो इस क्वेश्चन में देखने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, बुक में आपको सारा कुछ दिया गया है, फॉर्मूला से लेके आपको फॉर्मूले में पुट करने वाली जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ दी गई हैं। अब इसमें हम देखें तो हमें सबसे तीन वर्ड मिलते हैं हमारे टाइटल के अंदर, क्लासिफिकेशन, फिल्म रोल और पब्लिक लाइब्रेरी। क्लासिफिकेशन, फिल्म रोल और पब्लिक लाइब्रेरी, ये तीन वर्ड हैं। ऑफ इन वगैरह जो भी हैं ये इनको छोड़ दीजिए। तो इसमें हम देखें तो सबसे पहले हम पब्लिक वर्ड मिलता है, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी, टू मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस की और पब्लिक वर्ड हमें मिलता है। अगर कहीं भी पब्लिक लाइब्रेरी आ जाता है तो लाइब्रेरी का टू आ जाएगा, पब्लिक का ये टू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारी पी है, फॉर्मूले में दिया गया है, सबसे पहले आपको टू लगाना है, जो कि लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है वो टू आएगा। उसके बाद आपको कोई भी सिंबल नहीं लगाना है, यहाँ आप बुक में देखेंगे कोई भी सिंबल नहीं लगाना है। उसके बाद सीधा आपको पी लिखना है, पी यहाँ से शुरू है और नीचे आके अगली रो में हम देखेंगे यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पी, यानी कि यहाँ से लेके 1 से लेके 9-7 तक कोई भी वर्ड आ जाता है तो वो आप टू के साथ में लिख देंगे बिना सिंबल के। अब यहाँ पे हमें पब्लिक लाइब्रेरी दिया गया है तो लाइब्रेरी का टू आ गया, मेन क्लास हमारी, और पब्लिक का फिर टू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मेन क्लास लगाएंगे टू, उसके बाद पब्लिक की टू लगा देंगे बिना किसी सिंबल से, पी हमारा टू टू ये हो गया, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी एक वर्ड हो गया ये हमारा। अब उसके बाद फिल्म रोल रह गया और क्लासिफिकेशन रह गया, तो उसमें हम आगे अगर देखें तो ये चलो एक बार छोड़ देते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताई थी, ये हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। इसके बारे में एम के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। इसके बाद हमें दो वर्ड देखने हैं, क्लासिफिकेशन और फिल्म रोल। इसमें हम देखेंगे कहीं हमें दोनों में से कोई एक वर्ड मिलता है, यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन वर्ड मिलता है, उसका कोड है 51। ये है हमारा ई कम टू पी, ई है ये हमारा, ठीक है, हम नॉर्मली ई कह सकते हैं। इसका कोड हम एक बार यहीं लिख देते हैं, 51 इसका कोड है, किसका, क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अब उसके बाद हम फिल्म रोल का देखते हैं, फिल्म रोल हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, फोसाई इन एम सेम एज फोसाई इन पी फॉर जर्नलिया बिब्लियोग्राफी, यानी कि इन्होंने क्या कहा है, रंगनाथन जी ने क्या कहा है कि जो आपका जर्नलिया बिब्लियोग्राफी का चैप्टर है, यानी कि ठीक इससे पहले वाला चैप्टर है जर्नलिया बिब्लियोग्राफी का, उसकी जो पी है, पी वो बिल्कुल एम के सेम ही समान ही है बिल्कुल, यानी कि अगर आपको लाइब्रेरी साइंस की एम में कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी वस्तु का, कोई भी चीज़ का कोड चाहिए, तो उसके लिए आप जर्नलिया बिब्लियोग्राफी की पी में जाएं। तो जर्नलिया बिब्लियोग्राफी की पी यहाँ से शुरू है, फोसाई इन पी, वो नीचे आएंगे, उसके बाद अगली रो में आएंगे तो यहाँ पे ख़त्म है 9917 तक। इसके अंदर हमें हो सकता है फिल्म रोल मिल जाए, तो यहाँ पे हम अगर सर्च करें तो यहाँ पे फिल्म रोल मिलता है, पहले फिल्म स्ट्रिप है, उसके बाद फिल्म रोल है, तो यहाँ पे इसका कोड दिया गया है 1512। ये भी हम एक बार साइड में लिख देते हैं 1512, ठीक है। अब हमें क्या पता, जो आपने मेन क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले 51 लिखेगा लगेगा या पहले 1512 लगेगा, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि ये हमारी ई है, हमें बुक में दिया गया, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, बुक में लिखा गया है कि ये ई है, ई के अंदर दी गई है, ये बुक में मैंने आपको दिखाया ना पहले, ई यहाँ से शुरू है और ई के अंदर हमें क्लासिफिकेशन 51 मिलता है। उसके बाद ये जो है ये हमारी एम है, ये भी हमने कुछ नहीं इसमें किया है, ये हमें बुक में ही दिया गया है, ये हमारी एम है, एम के अंदर बताया गया है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम जब हम चलते हैं तो इस एम के अंदर ही हमें, पी के अंदर जो कि हमारी एम है अभी के लिए लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर के लिए, तो इसके अंदर हमें फिल्म रोल का कोड मिल जाता है 1512। अब हम इस रूल के अंदर आते हैं, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज के अंदर, तो सबसे पहले हमें पी लिखना होता है, पी हमने ये लिख दिया 2, सबसे पहले मेन क्लास आई उसके बाद 2 लगा दिया, इसके बाद हमें एम लगाना होगा, ई नहीं लगाना है, पहले एम लगाना है। बाय चांस अगर एम नहीं दिया गया है टाइटल के अंदर, यानी कि ये फिल्म रोल जो एम है ये नहीं होता है, तो हम सीधा ई लगा देंगे, लेकिन अगर एम है तो हमें एम पहले लगाना होगा, लेकिन एम लगाने से पहले जो इसका कनेक्टिव सिंबल है सेमी कोलम वो लगाएंगे, सबसे पहले सेमी कोलम लगाएंगे, क्योंकि
क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ हमें फॉर्मूला के अंदर भी दिया गया, पी के बाद सेमी कोलम लगा के फिर एम दिया गया। हमें देखो, हमें रूल याद नहीं करने, हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले हमने पी लगाई है, पब्लिक लाइब्रेरी, उसके बाद हमें एम लगाना है। एम यहाँ क्या है? फिल्म रोल, जिसका कोड क्या है 1512, और उसका कनेक्टिव सिंबल जो हमें रूल फॉर्मूला में दिया गया है वो लगा दिया। इसके बाद हमें ये दो वर्ड हो गए हैं, पब्लिक लाइब्रेरी और फिल्म रोल। तीसरा वर्ड एक क्लासिफिकेशन रह जाता है, ये हमारी क्या है? ई, जो कि हमें बुक ने ही बताया कि ये ई है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का कोड है 51। और क्लासिफिकेशन का जो ई है, हमारी ई लिखने से पहले आपको कोलन लगाने होंगे, दो डॉट लगाने होंगे, तो हम यहाँ पर दो डॉट लगा देंगे, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन का कोड लगा देंगे 51। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे 22 सेमी कोलम 51 कोलन 1512, तो ये हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई पहले नहीं आएगा। फंडामेंटल कैटेगरीज यही कहती है, ऐसा रंगनाथन जी ने यही कहा है, ये एक फिक्स रूल बनाया है कि पहले पी आएगी, फिर एम, फिर ई, इसके बाद एस, और सबसे लास्ट में टी आएगी। अगर मान लीजिए पी के बाद एम, ई और एस तीनों चीज़ें नहीं हैं, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो हम पी के बाद सिद्ध में सीधा टी आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ टाइम का ही कनेक्टिव सिंबल लगेगा। कनेक्टिव सिंबल मतलब संयोजन चिन्ह, यानी कि इनको जोड़ने के लिए। हमें पता कैसे चलेगा आंसर में ये हमारा एम है, टी है, एस है, पी है, क्या है? तो इसको जोड़ने के लिए हमने ये कोड लगाया है। इस सेमी कोलम से हमें पता चलता है कि ये हमारी एम है। अगर मान लीजिए इसी आंसर से, इसी क्लास नंबर से हमें वापस क्वेश्चन बनाना हो, तो सबसे पहले ये 2 है हमारी मेन क्लास, ये इसका मेन क्लास हम देखेंगे हमारी बुक में, या हम याद करेंगे, तो 2 होता है लाइब्रेरी साइंस का। लाइब्रेरी साइंस के चैप्टर में हम गए, अब उसके बाद हमें आंसर में दिया गया है 2, उसमें हम सर्च करेंगे कि पी के अंदर 2 में क्या है। ये लोकल लिखा गया, उसके साथ में हमें पब्लिक लिखा गया, या तो लोकल लाइब्रेरी आ जाएगा या पब्लिक लाइब्रेरी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें 1512 दिया गया, लेकिन सेमी कोलम लगाया है। सेमी कॉलम यानी कि हमें एम में देखना है, तो एम में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप जनरल बिब्लियोग्राफी की पी में जाए, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे 1512 पे हमें फिल्म रोल दिया गया, वो क्वेश्चन तैयार हो गया। लाइब्रेरी, ये पब्लिक लाइब्रेरी या हम चाहे लोकल लाइब्रेरी कह लें, उसके बाद फिल्म रोल एक वर्ड दिया गया है टाइटल में, उसके बाद हमें लास्ट में कोलन लगा के 51 दिया गया है। अब कोलन जो है वो ई से पहले लगाया गया है, तो ई के अंदर हम देखेंगे तो 51 हमें दिया गया है क्लासिफिकेशन का, तो ये हमारा क्वेश्चन वापस तैयार हो जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी, फिल्म रोल, क्लासिफिकेशन, ये तीनों के तीनों वर्ड हमारे वैसे के वैसे आ जाते हैं सीधा अगर हम आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं तो भी। लेकिन अगर इसमें से ये बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे सेमी कोलम लगा है ये, यानी कि एम है, तो हम इसमें देखेंगे कि एम के अंदर 51 देखना है हमें, तो एम के अंदर हम 51 जाएँ, तो 51 तो यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ, सीधा 5 दिया गया है बाय एजेंसी ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद 54 दिया गया है यूनिवर्सिटी, 51 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, यानी कि हमारा आंसर गलत हो गया। हम रिवर्स चेक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दे दिया कोलन लगा के 1512, कोलन लगाए इसका मतलब ये ई है, ठीक है। अब हम ई में, ये हमारी ई है, ई के अंदर हम देखेंगे 1512, तो यहाँ पे तो 1512 कोई कोड ही नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ही गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको सीसी में, डीडीसी में, दोनों में काम आती है, पी एम ई एस टी सब में काम आती है आपको, ठीक है। ये आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है। आप बुक्स में अच्छी तरह उसको पढ़ लीजिए, या आप वीडियो देख लीजिए, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन की, उसको आप 10 बार देख लीजिए, 20 बार देख लीजिए। लेकिन आपको ये अच्छी तरह याद रखना है कि पी एम ई एस टी का रूल क्या होता है, इनका बारे में, इनके बारे में इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके कोड क्या होते हैं, इनके जो सिंबल हैं वो क्या होते हैं, यानी कि कनेक्टिव सिंबल जो संयोजन चिन्ह हैं वो क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको याद करना होगा। अदरवाइज़ अगर बाई चांस मान लीजिए आपको याद नहीं होता है, तो आप अगर 10 बार, 20 बार, 50 बार एक एक क्वेश्चन भी अगर करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा फिर भी मान लीजिए आपको याद नहीं होता किसी कारण से, तो आपको बुक के अंदर ये कोलन क्लासिफिकेशन आपके साथ में होगी आपके एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर आपको रूल दिखाई दिया होगा। दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो कोलन क्लासिफिकेशन ज़रूर अपने साथ लेके जाएँ, ज़रूर लेके जाएँ,
ताकि वहाँ पे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। वैसे हो सकता है आपको कॉलेज से ही एग्ज़ाम में कोलन क्लासिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन अदर बाय चांस मान लीजिए अगर नहीं मिलती है तो आपकी कोलन क्लासिफिकेशन की बुक आपके पास होगी पूरा 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे जितने भी टाइम तक आपका टेस्ट चलता है, आपका एग्ज़ाम होता है, तब तक आपके पास आपकी खुद की बुक होगी। आप चाहे कितनी देर मर्जी लगाइए इसको सॉल्व करने में, लेकिन अगर कॉलेज देता है तो हो सकता है 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन उनके पास 25 ही बुक्स हैं इसकी कोलन क्लासिफिकेशन की, तो वो कॉलेज क्या करेंगे कि हाफ ऑफ टाइम के लिए लोगों को, जो कैंडिडेट्स हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको हाफ ऑफ टाइम के लिए बुक देंगे। यानी कि 50 कैंडिडेट्स को, जैसे मान लीजिए 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 50 कैंडिडेट को 1.5 घंटे तक बुक दे देंगे, बाकी के 50 कैंडिडेट को 1.5 घंटे बाद 1.5 घंटे के लिए वो बुक दे देंगे। यानी कि आपके पास सिर्फ 1.5 घंटे के लिए ही वो बुक आएगी, लेकिन अगर आपके पास अपनी बुक होगी तो आप उसको 3 घंटे रख लेंगे। लेकिन अगर आपका जो एग्ज़ाम रूम का टीचर जो है या कॉलेज वाले हैं वो कहते हैं कि आपको बुक नहीं लेके आनी है, फिर आप मत लेके जाइए, अदरवाइज़ आप ज़रूर लेके जाइए, इस बुक पे अपना नाम लिख लीजिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में, ये आप बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान दीजिए रखिए। दूसरी चीज़, DDC का सेट मैंने आपको बताया था कि काफ़ी वो बड़ा होता है, उसमें काफ़ी सारे पेज होते हैं, वो आप परचेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ से भी कीजिए आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा या स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाएगा कोई, या मंगवा देंगे आपको कोई। लेकिन आपको जैसे मान लीजिए काफ़ी हो सकता है कॉस्टली पड़े, मुझे नहीं पता उसका रेट क्या होता है, हो सकता है कॉस्टली लगे थोड़ा आपको, या फिर आपको अगर मान लीजिए नहीं लेना है तो ना भी लें। मेरी जो जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे DDC की हैं चाहे CC की हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी जो बुक है DDC की और CC की, सबके मैंने जो लिंक है वो दे रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उनकी PDF को, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और जहाँ रही बुक की बात, तो वो आपको एग्ज़ाम के अंदर कॉलेज के थ्रू तो मिल ही जाएगी, वहाँ पर आपको बुक से तैयारी कर लेनी है। बस यही था, और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली उनको जिनके मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, और यूट्यूब भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे वैसे आप कम कमेंट्स करिए, सॉरी नंबर तो मैंने दिया हुआ है, लेकिन अगर आप कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई भी असाइनमेंट सोल्व करवाने हैं इसके लाइब्रेरी साइंस के, तो वो हम असाइनमेंट भी आपको सोल्व करवा के दे सकते हैं, कंप्लीट असाइनमेंट सोल्व करवा के दे देंगे, चाहे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के हैं चाहे थ्योरी के वाले सब्जेक्ट के हैं वो सोल्व कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे आपका उसको आंसर बताऊंगा, लेकिन ये पक्का मैं नहीं करता कि आपको हाथों हाथ हैंड टू हैंड उसका आंसर बता दूंगा, क्योंकि जैसे मैं शॉप पर बैठता हूं तो मेरे पास बुक ये मेरे पास हमेशा अवेलेबल नहीं होती है, कई बार बाहर भी जाना होता है तो उसके लिए मैं हमेशा मतलब हाथों हाथ आपको आंसर नहीं दे सकता। जब भी मुझे टाइम मिले, सुबह जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो शाम को बता दिया, या एक दिन बाद या 2 दिन बाद बता दिया, जैसे मुझे टाइम मिले। दूसरी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि कोई भी अगर मेरे चैनल में क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर कोई भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है मुझे ही देना पड़ेगा वो आंसर, जिसको आता है वो दे सकते हैं। और तीसरी बात, जो मैं बात करते करते बीच में कहीं और ही ले गया, मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिनके भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो भी है थैंक यू सो मच सभी को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लाइब्रेरी साइंस की लाइन में नहीं है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आगे किसी को शेयर कर दें, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब मैंने लाइब्रेरी साइंस में एंट्री ली थी, मतलब मैं आया था जब नया नया, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, और मैंने देखा कि किसी को भी कुछ नहीं आता, मतलब क्लास के अंदर अगर 500 बच्चे हैं तो 500 में से 50 बच्चों को भी शायद आता होगा शायद, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ होगी, ये एक नया चीज़ होगा। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बहुत है या इंटरेस्टिंग है काफ़ी, इसमें क्या होता है कोई भी बोर नहीं होता जल्दी से। ये मुझे कईयों ने, मेरे यूट्यूब जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के मेरे पास मैसेज आए थे व्हाट्सएप पर कि ये इंटरेस्टिंग काफ़ी है, मतलब इसमें बोर नहीं होते। हाँ ये है कि जैसे अगर आंसर नहीं निकल पा रहे हैं तो अब कई बार दिमाग ख़राब हो जाता है, ये मेरे साथ भी होता है कई बार, ऐसा नहीं है कि मुझे सारा कुछ इसमें आता है A to Z कंप्लीट, मैं पूरा अच्छी तरह मतलब मास्टर हूँ इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी काफ़ी दिक्कत आई, जैसे इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कोस्टलैंड लाइफ ऑफ इंडिया, इसमें मुझे भी
पहले ऐसे लगा था कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, या कैंडिडेट ने मतलब गलत क्वेश्चन दे दिया, या मुझे किसी भी तरह से मेरी हेल्प अगर आपको चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ एनी कभी भी। और असाइनमेंट आप सॉल्व करवा लीजिए मुझसे अगर आपको सही लगे तो। ओके ठीक है, अगली वीडियो मिलती है और मैं कोशिश करूँगा कि नई वीडियो जल्दी से जल्दी मैं बनाऊँ। थैंक यू।